हाय, मैं मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन इन फ्लूइड डायनेमिक्स। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो हम लोग आइडियली एज्यूम करते हैं फ्लूइड्स के लिए। थ्रू आउट जब फ्लूइड पढ़ेंगे हम लोग तो ये कंडीशन के एज्यूम करते हैं को एज्यूम करते हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्चुअल में है क्या ये कंडीशन, इसे हम लोग रियल सिचुएशन से देखते हैं। लेट हमारे पास एक कोई फ्लैट प्लेट है, ये फ्लैट प्लेट हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और उसके ऊपर से कोई हम लोग फ्लूइड एक कोई फ्लूइड को फ्लो करवाते हैं। ओके, तो फ्लूइड फ्लो करवाते हैं तो क्या होगा सिचुएशन, ऐसा कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसे हम लोग यू इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्फिनिटी फ्री स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कोई फ्री स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड जो है वो फ्री स्ट्रीम है फ्लूइड्स का। अब जब उसके मॉलिक्यूल्स इस सरफेस पे आएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इधर से मूव करेंगे, इधर से मूव करेंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो आएंगे वो सरफेस से भी तो पास करेंगे। तो जब ये सरफेस के पास आएंगे तो मॉलिक्यूल्स गेट एडजॉर्ब एंड ट्रांसफर्ड इट्स मोमेंटम, मतलब मॉलिक्यूल जब इस सरफेस के ऊपर आएगा तो वहाँ पर एडजॉर्ब हो जाएगा, चिपक जाएगा और वहाँ पर अपना मोमेंटम इस वॉल को ट्रांसफ़र कर देगा कुछ, और फिर वापस इधर की ओर मूव कर जाएगा, है ना। तो इस तरीके से होता है, मतलब कि जब मॉलिक्यूल यहाँ एडजॉर्व कर गया तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया, इस डायरेक्शन में जब ये मूव कर रहा था इधर, तो जब ये एडजॉर्व कर गया तो उस डायरेक्शन का वेलोसिटी तो ख़त्म हो गया। जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं जब यहाँ पे आके चिपक गए तो उनका जो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी था, इस डायरेक्शन का जो टेंजेंशियल टू द प्लेट, वो तो ज़ीरो हो जाएगा। तो जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एडजॉर्व हो गए, चिपक गया, ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे चिपकते जाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन। कहता क्या है कि जब ये मॉलिक्यूल्स इस सरफेस पे आएंगे तो एट कॉन्टैक्ट नो स्लिप, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है यहीं पे फिक्स हो जाएंगे, इनका स्लिप नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आया और यहाँ से स्लिप करके यहाँ हो गया, कुछ नहीं, जहाँ पे ये आया फिक्स हो गया वहाँ पे वो फिक्स हो गया, मतलब एडजॉर्ब हो गया, एडजॉर्ब हो गया मतलब उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, फिक्स है, मतलब वहीं पे वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब रिलेटिव टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड इज ज़ीरो, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है उसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इस प्लेट के रेस्पेक्ट में, या फिर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इस प्लेट के ऊपर, वो हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि वो वहाँ पर एडजॉर्ब हो चुका है, ठीक है ना, वो रेस्ट में आ चुका है, इसके आगे वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं, ये कंपोनेंट वाला वेलोसिटी। अब कुछ लोग के मन में डाउट आएगा कि नॉर्मल कंपोनेंट वाला वेलोसिटी क्या होगा, नॉर्मल कंपोनेंट वाला वेलोसिटी के लिए दूसरा कंडीशन आता है, उसके लिए नो पेनिट्रेशन बाउंड्री कंडीशन आता है, उसमें नॉर्मल कंपोनेंट को डालते हैं ज़ीरो। लेकिन ये जो नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन है वो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात नहीं करता, ये सिर्फ रिलेटिव टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बारे में करता है बात। ओके, तो ये है, अब ये हर जगह वर्क नहीं करता है ये नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन की मॉलिक्यूल यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, हर सिचुएशंस के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग जो मोस्ट ऑफ फ्लूइड्स पढ़ेंगे उसमें ये वैलिड रहेगा, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशंस के लिए ये वैलिड नहीं होगा कि यहाँ पे मॉलिक्यूल चिपका ही रह जाएगा, कुछ के लिए वो वैलिड नहीं होता है। तो वो जो सिचुएशंस है उसको मैंने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया, नीचे दिया हुआ उसका लिंक आप देख सकते हो, वो लिमिटेशन ऑफ नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर एज मच एज यू कैन एंड हेल्प योर फ्रेंड्स। थैंक यू।